हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो मैंने आज तक कभी नहीं लाया था। आज एक स्टेबलाइजर की बात करते हैं कि स्टेबलाइजर क्या होता है। आप में से कई लोगों ने पूछा था कि इस पे कुछ पॉइंट हो जाए, लेकिन मैं कभी बनाता नहीं था। आज मैंने बनाया, क्योंकि क्या होता है कि मैं जब तक अपना अभ्यास नहीं कर लेता और उस पॉइंट को समझाने लायक नहीं बना लेता, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। तो इस बार आपके लिए लाया हूं स्टेबलाइजर। पहले मैं दिखाता हूं आपको कौन सा है, नहीं अनबॉक्सिंग में दिखाएंगे, लेकिन स्टेबलाइजर का कॉन्सेप्ट बताता हूं। स्टेबलाइजर जो कि डीजी से या जेनसेट से या जनरेटर से जो वोल्टेज आता है या लाइट सोर्स से जो वोल्टेज आता है उसे स्टेबल करता है, उसे एक लाइट में प्रॉपर लाता है, एक लाइन में प्रॉपर लाता है। मान के चलते हैं कि आपका वोल्टेज कभी 250 जा रहा है, 240 जा रहा है, 270 जा रहा है और कभी कभी 190 भी जा रहा है, तो आपको यहाँ वोल्टेज स्थिर चाहिए रहता है बाहर, यानी कि आउटपुट में। स्टेबलाइजर इसको कन्वर्ट करके आपको देता है, ये उस वेव को प्रॉपर कर देता है, ऊपर और नीचे का पार्ट कट कर देता है, इसको एक रेंज में ला लेता है। इन शॉर्ट में बोलूं तो डीजे सेटअप विदाउट स्टेबलाइजर चलाना नहीं चाहिए, इसे स्टेबलाइजर के साथ ही चलाना चाहिए। इसका रीज़न यही है कि प्रोडक्ट की सेफ्टी हो जाती है, आपके सारे सामान की सेफ्टी इसी के थ्रू हो जाती है। तो इस पॉइंट को लेके मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको वीडियो में और एक स्टेबलाइजर दिखा के एग्जाम्पल भी देता हूं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दिए देता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आई पावर स्टेबलाइजर की। इसमें हम लोग देखेंगे 15 KVA, 15 KVA का स्टेबलाइजर। जनरली दो बेस दो टॉप वाला या दो बेस दो लाइनरे या प्लाज्मा एक और दो लाइनरे वाला सेटअप 15 KVA के स्टेबलाइजर पे चल जाता है। हाँ, आप प्रेशर मीट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी स्कोप होता है और इस पर लाइट्स भी आप चला सकते हैं। इतना लोड 15 KVA का स्टेबलाइजर लेता है। तो आज इस 15 KVA को पहले हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब फास्ट वाला अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हमारे स्टेबलाइजर को, जो कि है आई पावर की ओर से। 15 KVA का ये स्टेबलाइजर व्हील्स के साथ आता है, डबल कार्टून पैकेजिंग होता है, पॉलिथीन लगा होता है और वेट भी अच्छा खासा होता है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर लगे हुए हैंडल के थ्रू इसे उठाया जाता है और पॉलिथीन को फिर निकाला जाएगा। तो ये रहा हमारा स्टेबलाइजर जिसको हमने अनबॉक्स कर लिया है, और अभी इसके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। हालांकि ये वेटेड है, इसका वेट लगभग 25-26 kg है और ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है, और ऊपर से भी इसके एक बॉक्स है। मैं इस बॉक्स को खोल के आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये करता क्या है। स्टेबलाइजर को जब एक वोल्टेज लिमिट के अंदर, यानी कि 150 से लेके 270 वोल्ट के बीच में जब इसे पावर मिलेगा, तब ये आपको आउटपुट देगा। आपको इससे जो आउटपुट लेना है वो लेना है 230 वोल्ट का, तभी आपका सिस्टम करेक्ट चलता है, उसे एक प्रॉपर वेव मिलता है। और अब इसका वोल्टेज अगर मान के चलते हैं इस रेंज में है, लेकिन ऊपर है या नीचे वो आपको कैसे पता लगेगा, मीटर के थ्रू। डिजिटल मीटर इसमें दिया गया है। मान के चलते हैं कि आपका वोल्टेज 150 से लेके 190 है, तो आपको करना क्या होगा, इसको अप पे रख के चलाना होगा, यानी आप इसके वोल्टेज को थोड़ा बहुत मेंटेन करके बढ़ा सकते हैं। जब वोल्टेज बढ़ता है एम्पियर घटता है, ये एक रिलेशन है आपस में। ये पूरे स्टेबलाइजर का अगर मैं आपको एम्पियर बोलूं तो वो होगा 45 एम्पियर। 45 एम्पियर का आप इस पर लोड चला सकते हैं। अब इसके लिए इसमें सॉकेट्स दे रखे हैं, मैं आपको वो खोल के दिखा देता हूं। अब इसमें यह भी बटन एक है जो कि वोल्टेज बढ़ाएगा या घटाएगा। 8 पॉइंट तक इसको आप बढ़ा सकते हैं, 8 पॉइंट मतलब 8 खटकों तक।
अब इसमें अप और डाउन का जो वोल्टेज है इन दोनों में डिफरेंस है 50 वोल्ट का। 50 वोल्ट के डिफरेंस से आप इसे बढ़ा या घटा सकते हैं इंक्लूडिंग दी 8 पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट के थ्रू, यानी हर एक पे थोड़ा थोड़ा 10-10, 12-12 वोल्ट घटेगा बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है इसमें कट ऑफ दिया गया है। कट ऑफ यानी कि आपका वोल्टेज अगर लिमिट से ऊपर चला जाता है, मान के चलते हैं कि आपका वोल्टेज 250 से ऊपर चला गया है, तब क्या होगा? तब ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि आपको वो वोल्टेज आगे मिले, आपके इंस्ट्रूमेंट्स को हानि हो। लेकिन अगर वही वोल्टेज 150 से कम होगा, 170 से कम होगा, तब फिर ये कट ऑफ होगा। यानी 150 से 170 पे कट ऑफ है और 250 से 270 पे कट ऑफ दिया गया है। दो प्रकार का कट ऑफ है, हायर और लोअर वोल्टेज के लिए। अच्छा, ये एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जो कि फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है। ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जो कि हर स्टेबलाइजर की सिमिलर होती है। और अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूं कि इसके अंदर कैसा ये दिखता है। समझ ही रहे होंगे कि इसमें इनपुट सेक्शन है जहां पे न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग तीन इनपुट दिए गए हैं। उसके बाद यहां पे इसका मैनुअल लिखा गया है कि वारंटी कब से स्टार्ट हो रही है वगैरह वगैरह। ये एक एमसीबी दिया गया है जिसको उठाने के बाद ही आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। यहां पे तो मीटर आपका दिखा देगा। और उसके बाद यहां पे 6 प्लग दिए गए हैं जो कि ISI वाले प्लग हैं, काफी ज्यादा, मतलब 15 एम्पियर का एक प्लग है, ये समझ के चलते हैं। काफी ज्यादा वोल्टेज आपको इससे डिलीवर हो सकता है। अब हम लोग फास्ट में इसे कनेक्ट कर लेते हैं, हमारा पैनल खोल के इसे वायर लगाएंगे हम लोग। रेड वाला वायर हम लोग पी में लगाएंगे, फेज में, और ब्लैक वाला वायर हम लोग एन में लगाएंगे, न्यूट्रल में। फिलहाल के लिए हम लोग अर्थिंग लगाने वाले नहीं है क्योंकि हमने ग्राउंड दे रखा है अलग से। और अब इसे कनेक्ट कर दिया है, अब इसे पहले हम लोग सेट कर लेते हैं और फिर करेंगे इसे जेन सेट के थ्रू ऑन। ऑन होने के बाद ये वोल्टेज आपको शो करना स्टार्ट कर देगा, बशर्ते आपका MCB ऊपर रखा गया हो। ये देखिए, हमने ऑन कर दिया जेन सेट को, अब MCB ऊपर है और वोल्टेज आपको दिखा रहा है। डाउन कंडीशन में वोल्टेज बढ़ा के हमने 234 पे रखा है और ग्राउंड का 2502 और एक एम्पलीफायर और कनेक्ट करके पूरा DJ सेटअप आज के डेट में हम लोग इस पे बजाने वाले हैं। तो आप लोग अपने हेडफोन लगाइए और इस सुरीले साउंड का जो कि जेनसेट से आने वाला है उसका टेस्ट लीजिए, मतलब कि साउंड सिस्टम से आने वाले का।
मैंने आपको स्टेबलाइजर का प्राइसिंग बताया नहीं था, मैं आपको बता देता हूं। 15 केवी का स्टेबलाइजर लगभग 20,000 के एवरेज में आपको मिल जाता है इंक्लूडिंग जीएसटी, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर है। और इसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको एक स्टेबिलिटी सी मिल जाती है, यानी आप कभी कोई सेटअप चला रहे तो एक मन में पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि बस अब मैं सही चल रहा हूँ क्योंकि स्टेबलाइजर लगा हुआ है। ये अश्योरेंस के लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट कि एक बजने में जो क्वालिटी का डिफरेंस आता है वो भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कम एम्पियर मिलने से या कम वोल्टेज मिलने से आपकी साउंड क्वालिटी ड्रॉप होती है, और अगर उसे साउंड क्वालिटी को प्रॉपर आप रखना चाहते हैं तो आपको वोल्टेज स्टेबल देना होता है, और वो हो सकता है स्टेबलाइजर से। तो आज की वीडियो में स्टेबलाइजर मैंने एक्सप्लेन किया है हंसते खेलते। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो और स्टेबलाइजर आपको पसंद आया हो। मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।